दोस्तों जानवरों के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर लड़ाइयाँ चलती रहती है, जिनमें से कुछ लड़ाइयाँ काफी ज्यादा खतरनाक होती है तो वहीं कुछ लड़ाइयाँ काफी ज्यादा फनी भी होती है। और आज हम भी आपको जानवरों से जुड़ी कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने वाले हैं जिनमें जानवर किसी न किसी बात को लेकर एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो में एक शेरों का झुंड बैठकर आराम कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक बफेलो का झुंड भी आ जाता है। और यहाँ पर आप भी साफ साफ देख ही सकते हैं कि बफेलो के झुंड का साइज कितना ज्यादा बड़ा है और इसमें कितने सारे बफेलो है। खैर यहाँ पर शुरुआत में तो बफेलो के झुंड को देखने के बाद भी ये शेर उसे नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी जगह पर बैठकर आराम फरमाते रहते हैं। पर बाजी तब पलट जाती है जब अग्रेसिव बफेलो इनके पास आकर इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर शेर भी उनके अग्रेशन को देखकर तुरंत ही भाग खड़े होते हैं। लेकिन जो भी हो, शेरों का ये निर्णय इनके लिए काफी ज्यादा हितकारी था, वरना इतने सारे बफेलो मिलकर बड़ी आसानी से इन शेरों का कचुमर बना सकते थे। खैर दोस्तों, बहुत सारी जंगली भैंसों को देखकर शेरों की हालत खराब होना लाजमी है, लेकिन जब किसी शेर को एक अकेला भैंसा मिल जाता है तो शेर उसकी ये हालत करता है, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख ही सकते हैं, जहां पर बड़ी आसानी से ये शेर एक जंगली भैंसे की गर्दन पर हमला करके उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पर ये ताकतवर बफेलो भी इसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते रहता है, लेकिन शेर की ताकत के आगे आखिर में ये हार मान ही जाता है। रणथंभौर नेशनल पार्क में रिकॉर्ड इस वीडियो के अंदर एक टाइगर आराम से चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक जंगल से निकलकर एक काला भालू आ जाता है और टाइगर को चुनौती दे डालता है। और यहाँ पर कमाल की बात ये भी होती है कि काफी देर तक टाइगर इसके सामने चुपचाप खड़ा भी रहता है, लेकिन जब काफी देर तक टाइगर इसे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है तो ये भालू अपने दो पैरों पर खड़ा होकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शायद यहाँ पर टाइगर लड़ाई के मूड में नहीं था और इसी वजह से वो चुपचाप जमीन पर बैठ जाता है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक इन दोनों के बीच कोई भी लड़ाई नहीं हुई और आखिर में ये काला भालू वापस जंगल में लौट गया। अगली इस वीडियो में कुछ शेर जमीन पर घात लगाकर बैठे थे ताकि सामने से आ रहे एक ब्राउन हाइना का वो बड़ी आसानी से शिकार कर ले। और यहाँ पर ब्राउन हाइना को भी घात लगाए शेरों का अंदाजा नहीं था, इसी वजह से वो इनके काफी नजदीक आ जाता है, लेकिन तभी अचानक ब्राउन हाइना को शक हो जाता है और उसे शेर दिखाई दिए जाते हैं, जिसके चलते उसे जो ही शेर दिखाई देते हैं तो वो तुरंत यहाँ से भागने लगता है। हालांकि भागते समय ब्राउन हाइना का शेर भी पीछा करते हैं, लेकिन आखिर में अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल ही जाता है। अगली इस वीडियो में एक कुत्ता बिना बात एक बंदर से उलझ बैठता है, जिसके बाद बंदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर बंदर इसे अच्छा खासा सबक सिखा देता है। दोस्तों यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि ये बंदर किस तरह इस कुत्ते के मुंह पर थपड़े बरसा रहा है और कई बार इसके कान भी खींच रहा है, और कई बार तो गुस्सा या बंदर इसके ऊपर बैठकर इसकी और भी अच्छी खासी धुलाई कर रहा है। लेकिन शायद यहाँ पर आज ये कुत्ता इससे पंगा नहीं लेता तो ये बंदर इसे ऐसा सबक नहीं सिखाता। जब बंदर की बात हो रही है तो जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए, जहाँ पर एक बंदर काफी देर से एक खरगोश को परेशान कर रहा है। और यहाँ पर आप भी साफ साफ देख ही सकते हैं कि खरगोश इसकी हरकतों से काफी ज्यादा परेशान हो गया है और इसी वजह से वो इससे बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर चालाक और फुर्तीला बंदर बार बार इस खरगोश को पकड़ लेता है और अपने मुँह में पकड़ कर हवा में उठा भी लेता है। लेकिन यहाँ पर इस खरगोश के लिए गनीमत की बात यह रहती है कि बंदर इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है और इस खरगोश के साथ ऐसे ही काफी देर तक मस्ती करने के बाद इसे यहाँ से जाने भी देता है। अगली इस वीडियो में सड़क के किनारे दो इगुआना लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों इगुआना कुछ इस तरह लड़ रहे हैं। मतलब इन दोनों इगुआना को देखकर तो यही लगता है कि ये सालों साल की दुश्मनी आज ही निकाल लेंगे। खैर दोस्तों जो भी हो, इन दोनों इगुआना के बीच लड़ी जा रही है लड़ाई देखने में काफी ज्यादा फनी तो लगी रही है। अगली इस वीडियो के अंदर एक तेंदुआ सड़क पर टहल रहा होता है और इस दौरान इस तेंदुए को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसके आसपास एक शेर भी मंडरा रहा है, जो कि काफी देर से इस तेंदुए के ऊपर नजर रख रहा है और इसके ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसी वजह से जब तेंदुए का ध्यान भटकता है और वो शेर इसके काफी नजदीक आ जाता है तो फिर वो अचानक दौड़कर इसके ऊपर हमला कर देता है। पर यहाँ पर तेंदुआ भी शेर से कुछ कम नहीं था, क्योंकि जो शेर इसके ऊपर हमला करता है तो ये भी शेर के ऊपर जवाबी हमला करता है और तुरंत ही यहाँ से भाग निकलता है। इस वीडियो में एक राइनो पानी पीने आता है और जब वो किनारे पर पानी पी रहा होता है
तभी उसे पानी के अंदर एक टाइगर भी दिखाई देता है जो कि पहले से इस पानी के अंदर बैठकर आराम कर रहा था। लेकिन जो ही राइनो को टाइगर दिखाई देता है तो पता नहीं राइनो को क्या हो जाता है और फिर ये तुरंत ही उसके पास चला जाता है। हालांकि यहाँ पर शुरुआत में तो टाइगर राइनो को देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन जब राइनो उसके काफी नजदीक चला जाता है तो आखिर में टाइगर भी यहाँ से भाग निकलता है। अगली वीडियो में एक कुत्ता भालू के बच्चे को कमजोर समझ लेता है और उसे उलझ बैठता है, लेकिन यहाँ पर उसकी चाल उसी के ऊपर भारी पड़ जाती है क्योंकि वो ज्यों ही भालू के बच्चे के ऊपर हमला करने लगता है तो यहाँ पर भालू का बच्चा उसके ऊपर जवाबी हमला कर देता है और यहाँ पर कुत्ते के ऊपर बुरी तरह भारी भी पड़ने लगता है। पर जो भी हो, यहाँ पर आज इस कुत्ते की अकल ठिकाने तो अच्छे से लगी गई होगी। यहाँ पर 2 से 3 पालतू कुत्तों को एक सांप दिखाई देता है जिसके बाद ये सभी इसके आसपास आ जाते हैं और इसके सामने भौंकने लगते हैं। लेकिन जब इनके भौंकने से सांप को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो इसी दौरान मौका पाकर इनमें से एक बड़ा कुत्ता सांप को अपने मुंह में पकड़ लेता है और फिर उस सांप को उठाकर ग्राउंड में ले जाके उस बेचारे सांप का बुरा हाल करता है। अगले इस वीडियो के अंदर भी एक सांप का सामना एक चिड़िया से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये चिड़िया सांप के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर मौके को देखते हुए सांप भी भागकर जान बचाने की कोशिश करता है और पास ही में मौजूद एक दरवाजे की दरार में घुसकर अपनी जान बचा भी लेता है। अब दोस्तों जरा इस कौवा गैंग से भी मिल लीजिए जो कि काफी देर से एक बिल्ली को घेर कर बैठे हैं और यहाँ पर आप भी साफ साफ देख ही सकते हैं कि बेचारी बिल्ली इन कौवों की गैंग से काफी ज्यादा परेशान है और इसी वजह से वो अपनी जगह पर चुपचाप बैठी है। लेकिन दोस्तों ये कौवे भी कुछ कम शरारती नहीं है क्योंकि जब भी इन्हें मौका मिलता है तो ये बिल्ली को परेशान करते रहते हैं। अब ये कौवे बिल्ली के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बात आप भी साफ तौर पर देख ही सकते हैं कि बिल्ली की हालत किस कदर खराब हो रही है। दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि जब भी बंदर और कुत्ते का सामना होता है तो ये एक दूसरे की बैंड बजाने पर उतर आते हैं। अब पता नहीं ये ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन इनके बीच होने वाली ये लड़ाइयाँ वाकई में काफी ज्यादा फनी भी होती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं जहाँ पर एक बंदर से पंगा लेने के लिए एक कुत्ता छत के ऊपर ही चढ़ जाता है और उस बंदर के ऊपर हमला करने लग जाता है। हालांकि यहाँ पर ये बंदर भी इसके ऊपर जवाबी हमला करता है, लेकिन आखिर में यहाँ